तो हाजरीन, आपने ताली बजा के हमारा स्वागत किया। हिंदुस्तान में एक कहावत है कि अगर किसी की ताली बजी यानी उसकी इज्जत उतर गई। तो बराहे करम अगर आपको कोई हमारी चीज अच्छी लगे तो उर्दू में एक शब्द है जिसे कहते हैं अपन वाह वाह। तो अगर कोई चीज हमारी अच्छी लगे तो आप वाह करिए, और अच्छी जगह पे वाह करिए, नहीं तो वो आह बन के हमारे दिलों में लग जाए। तो हाजरीन, एक जमाना था जब इन कटोरों में अफीम रखा करते थे दास्तानगो, और घंटों घंटों अफीम खाते जाते थे, दास्तान सुनाते जाते थे। कमबख्त जब से अच्छे दिन आए हैं तब से अच्छी अफीम मिलना बंद हो गई। वाह, क्या बात है। तो हाजरीन, लीजिए पेश दास्तान। तो जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले कि दास्तान गोई नाम है उस फन का जिसमें दास्तान बयान की जाती है, सुनाई जाती है। दास्तानें तो बहुत सुनाई गई, हजारों सालों तक सुनाई गई, लेकिन इन सब में मशहूर हुई अमीर हमजा की दास्तान। वाह, अमीर हमजा को दास्तान सुनाने का रवायत यूं तो दुनिया के तमाम मुल्कों और खित्तों में फैली है, बोस्निया से लेके अलजीरिया तक, मराकश से लेके इंडोनेशिया तक। लेकिन इन दास्तानों को सबसे ज्यादा इज्जत और तौकीर मिली हिंदुस्तान जन्नत निशान में। तो हाजिर, दास्तानों में चार चीजें बहुत अहम होती हैं, रज्म, बज्म, तिलिस्म और अय्यारी। रज्म यानी वॉर, लड़ाई, जो आजकल आप देख रहे हैं बहुत हो रहा है, हर जगह हो रहा है। बज्म यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क, गजल, जो सिर्फ शाहरुख खान की फिल्मों तक ही रह गया। तिलिस्म एक ऐसी जादूगरों की बनाई हुई दुनिया है जिसमें जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता, जैसे आजकल सरकार में चल रहा है। जैसे अगर आप आज के दौर में समझना चाहें तो जैसे तिलिस्म में नोटबंदी, तिलिस्म में आधार कार्ड, तिलिस्म में जीएसटी वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे तिलिस्म कई तरीके के होते हैं, जैसे तिलिस्म में आईना, जो आईनों से बना हुआ है। एक है तिलिस्म में फिरंगी, जिसमें जो भी शख्स दाखिल होता है वो अपने आप अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देता है। चौथी चीज अय्यारी। अय्यारी एक अय्यारों का ऐसा पेशा है हाजरीन, जो झूठ बोलकर, भेस बदलकर, धोखा देकर जादूगरों के बनाए हुए तिलिस्म को तोड़ते हैं और जादूगरों का खात्मा करते हैं। वो भी आजकल सरकार में चल रहा है। तो हाजरीन, लीजिए पेश है दास्तान। दास्तान जुड़ुम जुड़ुम की, दास्तान तिलिस्म कोहिस्तान की, और तिलिस्म कोहिस्तान में अमर के सफर की। तो हाजरीन, जैसे कि रिवायत है कि दास्तान शुरू करने से पहले साकीनामा पढ़ा जाता है, यानी कि शराब पिलाने वाले की तारीफ की जाती है। तो ये दास्तान थोड़ी सी दूसरी तरह की है, इसलिए हम साकीनामा भी कुछ दूसरी तरह का ही सुनाएंगे। तो लीजिए पेश है साकीनामा। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहां दरख्तों के साय में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पांव पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम है सिंधे जबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो हाजरीन, गुलगुना कशाने आरज़े शहदे बयान कुछ इस तरह फरमाते हैं कि तिलिस्म का बादशाह है अफरासियाब, की जिसकी अमलदारी में 60,000 मुल्क जादूगर और जादूगरनियों के आबाद हैं, के बादशाह उन मुल्कों के सब अफरासियाब के मुती और मिनकाद हैं, और उसके बनवाए हुए तिलिस्म होशरुबा में 3 हिस्से और मकाम हैं। क्या बात है। पर हाजरीन, अफरासियाब ने ऐसा सहर किया कि वो 60,000 मुल्क के बाशिंदे अपनी अपनी मुल्कियत भूलकर खुद को सिर्फ तिलिस्म कोहिस्तान का बासी समझते हैं। सुबह शाम उसके झंडे को सलामी देते हैं, उसके तराने गाते हैं, और हम वक्त उसकी तारीफ और सना में मसरूफ रहते हैं।
और इस तिलिस्म कोहिस्तान के तीन हिस्से और मकाम हैं। पहला हिस्सा है पर्दा जुल्मात यानी अंधेरे का पर्दा, कि जहां बड़े बड़े चोर लुटेरे डाकू बदमाश सब के सब उच्च वर्ग के लोग हर वक्त जमहूरियत और तरक्की पर बात करते रहते हैं। और दूसरा हिस्सा तिलिस्म कोहिस्तान का है तिलिस्म बातिन यानी नजरों से छिपा हुआ तिलिस्म, कि जिसमें मुतवस्सत तबके यानी मध्य वर्गीय तबके के लोग रहते हैं जो हर वक्त शहरियों के हुकूक की बात करते रहते हैं। तिलिस्म में अमेरिका के शहर से मशहूर रहते हैं और एक घर से दूसरा, एक डिग्री से दूसरी और एक तक से दूसरा जमा करने के फिराक में चोला और चैनल बदलते रहते हैं। सड़क बिजली और पानी की इंतजाम की शिकायत में मसरूफ रहते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दर्जगाहों में आल इज वेल का दर्स देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अदालत की महिमा का गुणगान करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सहाफत की परस्तिश करते हैं, ठंडे ठंडे कमरों में सोते हैं और इजहारे राय के शहर से मुतमईन रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हर महीने दो महीने में कलम चलाकर या झंडे उठाकर खुद अपनी सियासतदानी पे फिदा होते रहते हैं। बज़ाहिर ये सब पर्दे जुल्मात की मुखालफत करते हैं पर पसे पर्दा पर्दे की चादर ओढ़ने के मुतमन्नी रहे। और तीसरा हिस्सा तिलिस्म कोहिस्तान का है तिलिस्म जाहिर, कि जहां आम आदमी रहता है हमारे और आपके जैसे, कि रियाया बराया आम इंसान मजदूर किसान आदिवासी अनुसूचित जाति माइनॉरिटी के लोग रहते हैं जो हिलाजत में घरों नालियों में बसेरे बनाते हैं, जिन्हें ना आराम शब को ना राहत सवेरे है, सुबह से शाम मजदूरी करते हैं और जुल्मात के पहरेदार उन्हें एक जगह से दूसरी जगह खदेड़ते रहते हैं ताकि वो अपनी आबाई वतन से हजारों कोस दूर जाकर बड़ी बड़ी सड़क पुल बांध आहनी शाहराहें बनाए जिससे जुल्मात और बातिन के बाशिंदे सफर कर सके। कुछ कोई ऐसे हैं जिनकी सोना उगले उगले हीरे मोती वाली जमीन को जुल्मात के पहरेदारों ने तिजारत के बहाने हथिया रखा है, और अफरासियाब और उसके कारिंदे के जिनके लिए ऐशगाह हैं आरामगाह हैं जा बजा मौजूद हैं तख्ते सहर पर बैठकर पूरे तिलिस्म कोहिस्तान की सैर करते हैं और उसकी तरक्की और खुशहाली पर डॉक्यूमेंट्रियां बनाते हैं। तो जब यारे बेनजीर वाला तदबीर हुनर परवर ख्वाजा अमर अपने शागिर्दों के साथ तिलिस्म कोहिस्तान में दाखिल हुए और साहिरों की सूरत बनाकर हर तरफ फिरना शुरू किया तो कहीं सहराए खौफनाक देखा, दश्ते हैबतनाक देखा कि पिघलते शीशों की इमारतें, लोहे और इस्पात की बनी चट्टान, उन चट्टानों के पहाड़ और पहाड़ों से निकलते धुएं, साहिर सहर करते आग और पत्थर आसमान से बरसते, गरज एक कैफियत देखते चले जाते थे कि अमर एक मकाम पर पहुंचा। सहराए अजीब देखा कि घास की जगह कोसों तक मुकैश हुई है, अरे जंगल सारा चांदी का है। अमर ने अपने दिल में ख्याल किया, हाय मुमकिन होता ये सारा जंगल अपनी जंबील में रख लेता, क्या करूं कि हाँ जहां तक हो सके ताकि घास काट लो। ये तसव्वुर करके हंसिया जमीन से निकाली और लगा घास काटने। अभी थोड़ी ही घास काटी थी कि एक सदा सुनाई दी, जुड़ुम 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 जुड़ुम। अमर ने नजर उठाकर जो देखी तो देखा हाजरीन के जंगल के बाहर खुले मैदान में सैकड़ों को ही लश्कर में लुटे पिटे त्राही त्राही करते हैं और जादूगर तख्त पे सवार हर तरफ उड़ते फिरते हैं। हर जादूगर के तख्त पर चार चार कोही उसे घेरे हुए है। जादूगर कभी अकेला नहीं घूमता, कोई को सामने लिए चलता है। अमर ने ये माजरा देखकर अपनी सूरत एक कोही की सी बनाई, कद जरा पस्ता किया, जिस्म काला, नाक चपटी और एक बच्चा जो लश्कर में रोता फिरता था उसे गोद में उठाकर पुचकारने लगा और चुप कराने लगा, ओ चुप हो जा, चुप हो जा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ओ अच्छे दिन आएंगे। और आगे बढ़ा, क्या देखा कि लश्कर में जितने मर्द हैं सब बूढ़े और बच्चे। अमर ने खुद को अकेला जवान पाकर सबकी नजरें बचाता हुआ बच्चे के सीने में मुंह छिपाकर वहां से आगे बढ़ा। अब कुछ राह तय की तो प्यास की शिद्दत हुई, एक कुएं पर पहुंचा और डोल लेकर कुएं में डाला, लेकिन जब कुएं में झांका तो
कहा जाए पानी नजर नहीं आया बल्कि चार को ही टकटकी लगाए ऊपर की तरफ देख रहे, मुंह में डाटा बंधा, हाथ पर पीछे बंधे, जिस कुएं पर पहुंचा वहां यही मंजर पाया। ना चार जंबील से निकालकर पानी पिया, लेकिन जैसे ही पानी पिया तो प्यास की शिद्दत और बढ़ गई। अब हमार हैरान कि कौन सी जगह है जहां जंबील की तासीर उल्टी पड़ गई है। तभी बीच मैदान बरगद का पेड़ देखा, तसव्वुर किया कि इसकी छांव में जाकर सुस्ता हूं। अभी वहां बैठ भी ना पाया था कि बरगद के पेड़ में खौफनाक शक्ल नजर आई। अमन ने जो गौर से देखा तो शक्ल गायब। अमन जब बरगद के पास गया तो आसपास की तमाम जड़ें झूलने लगी और एक एक जड़ में उल्टा बूढ़ा कोही नजर आया कि सिन रसीदा लुंड मुंड सूखा डंडा हड्डियों का ढांचा दाढ़ी बड़ी हुई। अमर ने जो गौर से देखा तो वाकई बरगद की शाख शाख न थी बल्कि उल्टे लटके हुए बूढ़े कोही थे। पर अमर से कोई आंख ना मिलाता था बल्कि आंख यूं मिचकाता था जैसे आंख हो ही ना। दूर से देखो तो बरगद का पेड़ और करीब जाकर देखो तो उल्टे लटके हुए बूढ़े को ही। हवा जो सरसराई तो कम अमर के कानों में ये सदा आई, किससे कहे कि हम पे जो सदमा गुजर गया, खाली हुआ अजीजों से घर दश्त भर गया, दुनिया से दोपहर में मेरा घर का घर गया, बेटा जवान कत्ल हुआ भाई मर गया। अमर ने चाहा कि कहीं और जाकर पनाह ले, अभी सड़क के करीब पहुंच भी ना पाया था कि वहां एक कोही ने उसका रास्ता रोका और कहा, ए, कहा जाता है? अरे भैया अपने घर को जाता हूँ भाई। घर? हाँ। अबे कौन सा घर? अरे अपना घर कोहियों के गांव में। अबे तुझे पता नहीं कोहियों के कोई घर नहीं हुआ करते, कोई या तो लश्कर में रहते हैं या शहर में रहते हैं या फिर कैद में रहते हैं। तो लश्कर में रहता है और इतना भी नहीं जानता? अरे भैया बाहर गया था परदेश, अभी वापस आया हूँ, अब ये माजरा देखता हूँ। अरे यहाँ तो कोहियों के गांव थे, गांव के गांव थे, चश्मों पे चश्मे थे, नहरे पे नहरे थी, जंगल के जंगल थे, कहाँ गए वो सब? अरे यहाँ तो हमारी हुकूमत हुआ करती थी भाई। अबे किस बाबा आदम के जमाने की बात कर रहा है? अबे वो हुकूमत भी कोई हुकूमत थी, वो हथियार भी कोई हथियार थे, वो पत्ते बिनना, लकड़ी बटोरना, जंगल के भरोसे भूख मिटाना, अबे वो जिंदगी भी कोई जिंदगी थी। हम जादूगरों के राज में हैं, हम तारीख के दायरे में आ गए हैं, हमारी तरक्की हो गई है, अब अच्छे दिन आ गए हैं। अरे भैया जब अच्छे दिन आ गए तो फिर हथियार लिए पहरा काहे दे रहे हो, किस खौफ में जीते हो, फिर यहाँ अमन चैन काहे नहीं है? बड़ा अमन चैन की बात कर रहा है, लगता है ये बागियों में शामिल हो गया। ए, सच सच बता, तू अय्यारों में से है या ना अय्यारों में से? अरे भैया मैं तो कोई हूँ यार। कोई तो हम है, तभी तो एक दूसरे से जुड़े हैं। अचानक वो हिले तो आवाज आई, जुड़ुम 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 जुड़ुम। अमर ने सोचा कि कुछ मामला गरमाता है, कुछ तरकीब सोची होगा कि हुजूर अगर आप मुझे यहाँ से जाने दें तो ऐसी नायाब चीज आपको तोहफे में दूंगा कि आप जिंदगी भर मुझे दुआएं देते रहोगे। ये कहकर एक मोती बराबर मुर्गी के अंडे के नाप का निकाल कर दिखाया, सब कोहियों की लार टपक पड़ी। एक ने कहा, हुजूर ये तो बड़ी नायाब चीज है, जरा इसे मुझे दो तो करीब से देखूं। अमर ने कहा, हुजूर ये तो कुछ भी नहीं, आप इसे अपने दहन के करीब लाइए और मुंह की भाप दीजिए, फिर इसके चमक और आवताब देखिए। वो कोही उस मोती को अपने दहन के करीब लाया और मुंह की भाप देना शुरू की। वो मोती फूट गया और जिस तरह फुलझड़ी छूटती है वैसे उसमें से धुआं निकला और सब कोहियों के दिमाग में मुंह और नाक की राह से पेचीदा हुआ और सब कोई चक्कर खाकर जमीन पर गिरे और बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो अमर वहां से कुलाचे मारता, हवा से बात करता, दूर जाकर जंगल में ठहरा। वहां देखा कि तिलिस्म कोहिस्तान का अजीब हाल है, जंगल बियाबान में तब्दील हो गए हैं, खेत खलियान उजड़े पड़े हैं, न चरन न परिन न आदमी न आदम जात, जमीन मातमी रंग ओढ़े है, चटियल मैदान पेड़ सूखे, फिरते थे परिंदे प्यासे भूखे, चलते ऐसे वहां के कंकर, चिंगारियां थी कदम कदम पर, जो घास जमी पे वहां थी, सूखी किसी प्यासे की जबां थी, चलती थी गजब हवाए वहशत, कि फिरता था वो मुब्तलाए वहशत, कि अमर चला जाता था चला जाता था चला जा, तभी एक यकायक दिल दहला देने वाली सदाई और ऐसा लगा जैसे आसमान टूट कर गिर जाएगा, जमीन थर्राने लगी, जमीन के थर्राने से अमर जमीन के अंदर घुसने लगा और ढेर दरख्त जमीन के अंदर घुसने लगे और उन दरख्तों पे जो चरण पर जिंदा थे ना बंदर लंगून तोता मैंने फाकता रहन साहब बिचुपी सुगर हुआ कौगा खरोश चूटी खटमल दीमक रुपैली बादल सांवरा कवारा गोरी नीला पीला उदी धानी बैंगनी जामी साई सफेदी सुर्खी सुनहरी सब के सब पट 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 होने हुए ओलों की तरह जमीन
जमीन में गिर गए, वाह, आसमान वीरान हो गया। अमर ने अपनी जान बचाने के लिए इसमें आजम का मंत्र पढ़ा और दूर जाकर ठहरा। वहां बैठकर जफीले अय्यार यानी सीटी बजाई, जिसे सुनकर बर्फ फरंगी ने अपने आप को उस्ताद अमर के करीब पहुंचा और कहा, उस्ताद खैरियत? या यहाँ तो उल्टी खबर चल रही है, क्या खबर लाए हो? उस्ताद, तिलिस्म कोहिस्तान की फिजा उल्टी पड़ गई है। क्या बात कर रहे हो? पूरा मुल्क वीरान है, जादूगरों ने कोहियों से पूरा मुल्क छीन लिया और कुछ कोई बागी होकर नायारों के साथ मिलकर उनसे जंग करते हैं, और जादूगर खुद जंग नहीं करते, कोहियों से करवाते हैं, कोही से कोही को मरवाते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को हथियार देकर उन्हें फौजी कमान सौंपती है। और जादूगरों के नए निजाम में लफ्ज अमन या चैन किसी की ज़बान पर आया या किसी ने आजादी का लफ्ज सोच भी लिया तो उसके हाथ पैर बांधकर उसे कुएं में डाल देते हैं। अमीर हमजा ने वो एक हकीम को भेजा था डॉक्टर को, क्या हुआ उसका? उस्ताद, उस हकीम ने साल असा बड़ी खिदमत की, बच्चों का इलाज किया, बूढ़ों को शिफा बख्शी, कोहियों को तालीम दी और सैकड़ों कोहियों को तालीम दिलवाई, लेकिन ये जादूगरों ने उसे न सिर्फ कोहियों का बल्कि मुल्क का दुश्मन करार दिया। वो खता ये ठहराई कि एक बीमार सजा याफ्ता नायर सरदार से मिलने कैद खाने जाता था, लेकिन जादूगर जिंदाबाद, जादूगर पाइंदाबाद नहीं कहता था, तो चिढ़कर जेल में डाल दिया। यार ये तो वही बात हो गई कि निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, कि जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जब बचा के चले। कल उस हकीम पर मुकदमा चलाया जाएगा। अच्छा, इस साहिरों ने एक नया शहर इजाद किया है जिसका नाम कानून है। कानून? इसकी गिरफ्त बड़ी मजबूत है, इसे कोई तोड़ नहीं पाता। कानून का तोड़ सिर्फ और सिर्फ कानून है। उसी कानून रूपी शहर के तहत उस हकीम पर कल मुकदमा चलाया जाएगा, तो आप मेरे साथ चलिए। लेकिन इस तरह इस पोशाक में, इस उलिए में? अरे क्यों, ऐसी सफेद पोशाक करते हो, 11 करोड़ का बिक जाएगा भाई, क्या बोल रहे हैं? मैं तो फिरंगी हूँ इसलिए मुझे कोई नहीं रोकता, बल्कि जादूगरों का अमला मुझे खुश करने के लिए कभी कभी अंदर की खबर भी दे देता है। पर हर कोई बात नहीं, आजकल खाकी वर्दी वालों का बड़ा बोलबाला है, उन्हें कोई नहीं रोकता, तो आप भी ये वर्दी पहन लीजिए, आपको भी कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, ये कहकर अमर एक तरफ गया, उसने कहा कि भैया देखो कल इसी वक्त यहीं पे मिलेंगे, ठीक है, इसलिए तुम अपने रास्ते लो, मैं अपने रास्ते लेता हूँ। ये कहकर अमर एक तरफ गया और बर्क दूसरी तरफ। इस अरसे में रात तमाम हुई और साहरी मशरिक झोली जरारे शुआ के लिए चरखे शोक दबास पर आया। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मतलब सुबह हो गई है। तो अमर और बर्क दोनों एक जगह मिले। अमर ने बर्क से कहा, बेटा आज के दौर में ना चश्मिनम जाने शोरीदा काफी नहीं, तो मत इश्क के पोशीदा काफी नहीं। अच्छा भैया, वो कौन सी हिंदी थी जिसमें हमारे जद्दे अमजद मीर गालिब वगैरह शायरी किया करते थे? उस्ताद वो घुसपैठिया हिंदी थी। वाह, ये पाक साहब नफीस हिंदी है। अथवा विधि विरुद्ध संगठन के सदस्य होते हुए उक्त विधि विरुद्ध संगठन के प्रयोजन के लिए अभिधाय या प्राप्त करने के लिए याचिका करने के लिए षड्यंत्र किया या संशय के लिए किया या सदस्य को किसी भी तरह का मदद देने के लिए आपराधिक षड्यंत्र कारित किया, अथवा संगठन का प्रबंधन किया, प्रबंधन में सहयोग प्रदान किया या उक्त संगठन के साथ अपने आप को किसी तरह से जोड़ा। अमर ने बर्फ से कहा, या क्या हुआ, इसे को रोकता क्यों नहीं है यार? जो रोक सकते हैं वो लोग ये जबान ही नहीं जानते। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ ये जितने बैठे हैं ये सब बेजबान हैं। फिरंगी गिड़मिड़ जानते हैं। What's up dude? Let's party tonight. वाह! वाह! अरे ये भारत सरकार क्या बना है? हिंदुस्तान को आजकल भारत सरकार कहते हैं। अच्छा, तो मतलब कोहिस्तान में हिंदुस्तान का कब्जा है? भारत सरकार का। खामोश, अदालत अभी जारी है। तो ये सब इल्जाम सुनने के बाद कोई शक नहीं रह जाता ये मुजरिम है। पर चूंकि हम एक इंसाफ परस निजाम है इसलिए इस मुकदमे की पूरी कार्यवाही होगी। हमारे काबिल वकील मुकदमे की कार्यवाही शुरू करें। हुजूर, इनसे पूछे कि उन्होंने दाढ़ी क्यों रखी?
और दाढ़ी रखी थी तो फिर मुड़वाई क्यों? हाँ जी, दाढ़ी का बयान दीजिए, दाढ़ी क्यों? काटने में आलस आता है। दाढ़ी रखना कोई जुर्म है क्या? नहीं, जुर्म तो नहीं है, लेकिन जुर्म का परिचायक तो हो सकता है। Exactly, मिलो। ना तो ये कोई मुसलमंडे हैं, ना गंजेड़ी साधु, ना कोई सरदार, फिर दाढ़ी क्यों और किस लिए? हुजूर, सर्वविदित है कि दाढ़ी रखने वाले खास मानसिकता रखने वाले तत्व होते हैं, जिनमें से ज्यादातर विधि द्वारा स्थापित भारत सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान या अपृति विधि करते हैं। अपने इर्द गिर्द देख लीजिए कितने सारे लोगों ने दाढ़ी रखी, वो भाई साहब तीनों इकट्ठे बैठे हैं। हुजूर, मैं कहता हूँ, क्या कोई ग्रामीण हिंदू संस्कार युक्त बिना बात की दाढ़ी रखता है? एक आम हिंदू दाढ़ी तभी रखता है जब अपने समाज से, अपने देश से असंतुष्ट होता है। दाढ़ी रखने का मतलब है समाज से दुखी होना। मैं कहता हूं 9% ग्रोथ रेट रखने, 7%, मैं कहता हूं 7% ग्रोथ रेट वाले समाज से दुखी होने का क्या मतलब? हुजूर, जो आज असंतुष्ट हैं, कल वो अराजक होंगे, परसों देशद्रोही होंगे, नरसों माओवादी कहलाएंगे। दाढ़ी निशान है, दाढ़ी पहचान है, दाढ़ी अभियोग, दाढ़ी सबूत है। मैं आपको बताता हूं कि मैंने दाढ़ी क्यों रखी। मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें एक गोरा आदमी अपने मुंह पर काली पोत कर पूरे अमेरिका का सफर तय करता है नस्लवाद को करीब से जानने के लिए। उसी तरह 1991-92 में हमारे मुल्क में बाबरी मस्जिद कांड के दौरान जो हाल था, जिसमें एक खास संप्रदाय के लोग आतंकित थे, उसे देखकर मैंने दाढ़ी बढ़ाने का फैसला किया ताकि महसूस कर सकूं शक के दायरे में लोग कैसे जीते। देखिए हुजूर, इनकी मंशा देखिए, इनकी अगर मंशा शरारती नहीं तो क्या है? अरे कहां अमेरिका रुखसत नस्लवाद, और कहां हमारे देश की मिलीजुली तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे हिंदू होकर मुसलमान होने का ढोंग रचाना, पुराने जख्मों को कुरेदना, अरे झूठी हमदर्दी नहीं तो क्या है? पाखंड है, नैतिकता विरोधी। मैं कहता हूं हुजूर, तुष्टिकरण का इससे बड़ा पुष्टिकरण नहीं हो सकता है। और फिर दाढ़ी रखी थी तो मुड़वाई क्यों यार? हां जी, है कोई जवाब? अरे नहीं है हुजूर, इनकी चुप्पी, इनकी खामोशी, इनकी निरुत्तरता इनको गुनाहगार साबित करने के लिए काफी। बेशक बेशक काफी तो है, लेकिन अदालत बेगुनाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। अदालत की नजर में ये कौन है? ये कुख्यात आतंकी और साजिशी है। क्या जुर्म है इसका? हुजूर, ये कैद खाने में एक नाइया सरदार से मिलने जाता था, उनके खतूत और उनके पैगामात उनके लोगों को पहुंचाता था। गवाह सबूत? हुजूर, हमने एक ताजिर को गिरफ्तार करवाया था, उसके पास से खतूत बरामद हुए, पक्का इसी ने दिए होंगे। लेकिन ये कैसे साबित होता है कि इसी ने दिए थे? अव्वल तो उस नाइया सरदार से कैद खाने में कोई मिलने नहीं जाता था, ठीक है, और एक ताजिर की गिरफ्तारी के वक्त एक राहगीर ने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि खत इन्होंने दिए है। आपको तो मालूम है कि हमारे शाह, मेरा मतलब है शहंशाह अफरसियाब को उड़ती हुई बातों पर कितना यकीन है। जगह जगह जाल बिछा रखे हैं उड़ती हुई बातों को गिरफ्तार करने के लिए, टैप करते हैं टैप। उन्हें सिर्फ और सिर्फ उड़ती हुई बातों पर ही यकीन है। हुजूर, जब बात उड़ती है तो दूर तक लग जाती है। तो इन्होंने अपनी सफाई में क्या बयान दिया? हुजूर, ये कहते हैं कि जब मैं कैद खाने में उनसे मिलने गया, तो कैद खाने के अफसर वगैरह वहां रहते थे, निगरान वगैरह रहते थे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी निगरानी में कोई चीज ली हो या दी हो। अच्छा, कैद खाने के अफसर वगैरह ने भी यही बयान दिया कि हाँ भाई, हमारी निगरानी में मुलाकात होती थी, अब सवाल ही पैदा होते कोई चीज ली हो दी हो। पर मेरा ये मानना है हुजूर कि जो कैद खाने के अफसर वगैरह हैं, ये तो सरकारी आदमी है, सरकार इन्हें तनख्वाह देती है, हमको, हम लोग भी सरकार के आदमी हैं, हमको भी सरकार तनख्वाह देती है, लेट देती है लेकिन दे देती है। तो मैं कहता हूँ हुजूर कि ये सरकार का साथ ना देके कैसे किसी मुल्ज़िम का साथ दे सकते हैं? आप इन्हें हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दीजिए। बिल्कुल, मुजरिम के बचाव में कोई भी अपनी जबान को तकलीफ देगा, हम उसे तुरंत हॉस्टाइल डिक्लेयर कर देंगे। दूसरा सबूत? हुजूर, ये एक विधि विरुद्ध संगठन के सदस्य हैं, या हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इनकी मानसिकता तो वही है, बाकी इनकी सदस्यता का आईकार्ड वगैरह। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इन्होंने अपने बचाव में क्या कहा? हुजूर, ये बहुत दूर की कौड़ी लेके आए। अच्छा, ये कहते हैं कि अदालत आलिया ने अभी हाल ही में कहा है
कि विधि विरुद्ध संगठन का सदस्य होने भर से कोई मुजरिम साबित नहीं हो जाता है। अरे अदालत है, आलिया वहां बैठी है, उन्हें क्या पता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। और आप हमें ज्यादा कानून ना समझाइए, ये टेढ़े कानून के तीसरे हिस्से की पांचवी आयत के तहत एक विधि विरुद्ध संगठन का सदस्य होना कानूनी जुर्म है। पर क्या एहतियात के तौर पर कोई ठोस सबूत दे दीजिए। जी हुजूर, हमें इनके पास से एक खत मिला है जो उस बागी नायार ने शुक्रिया कहता हुआ इनको भेजा था, इनके घर से मिला है। अच्छा, तो इन्होंने क्या कहा? हुजूर ये कहते हैं कि मेरे घर की तलाशी के वक्त मैंने कागजात पर दस्तखत किए थे, उस पर भी दस्तखत किए होते, पर मेरा ये मानना है हुजूर कि ये तो तिलिस्म कोहिस्तान है, यहाँ कोही से कोही जुड़ा है, कागज से कागज जुड़ गया होगा भाई। नेचुरली नेचुरली भाई, स्वाभाविक है। देखिए जहाँ धुआं है वहाँ आग है, आग है तो नियत साफ नहीं, और नियत साफ नहीं तो निजाम के खिलाफ है। पर क्या है कि आजकल ये मीडिया वाले ना काफी सवाल जवाब करते हैं, इनकी तसल्ली के लिए कोई एक सबूत दे दीजिए। हुजूर हमें इनके पास से दो दस्तावेज मिले हैं, एक वो रिसाला आता है ना हुजूर आवामी मोर्चे का, हाँ उसका एक शुमारा मिला है, और दूसरी चीज जो हमें इनके घर से बरामद हुई है वो है सलवा जुड़ुंग कानून के खिलाफ एक पैम्फलेट। पैम्फलेट हुजूर, पिछले 200 सालों की तारीख में ये पैम्फलेट नाम की चीज जहाँ कहीं पाई गई है फितन व फसाद का बायस हुई है। क्या बात, तो ये बेडब फंसे तो फिर इन्होंने अपने सफाई में क्या बयान दिया? हुजूर ये कहते हैं ये चीज तो आम तौर पर मिल जाती है, पर मेरा ये मानना है हुजूर कि जो चीज आम तौर पर मिल जाती है लेकिन जब वो मुजरिम के घर से मिलती है तो खास हो जाती है। चूंकि इतनी मशकूक चीजें इनके घर से बरामद हो रही इसलिए मुजरिम है। अब चूंकि इतनी चीजें इनके घर से मिल रही, भैया इन्हीं के घर से क्यों, आपके घर से क्यों नहीं, मेरा मतलब इनके घर से क्यों? भाई आखिर भक्तगण के घर से ही गीता मिलेगी। अच्छा हमें इनके रवैये के बारे में बताइए। अरे हुजूर इनके रवैये के बारे में अच्छा चलिए सब सुनने के लिए बैठे, बता दीजिए। अरे हुजूर बड़ी सीना जोरी दिखाते हैं। क्या होता है हुजूर कि जब आवाम और अफसरान, अफसरान और आवाम के बीच में जब हम प्रीति यानी मोहब्बत यानी प्रेम बढ़ाने की जब कोशिश करते हैं तो ये लोग आके उसमें आपृति प्रदीप्त कर देते हैं हुजूर, तरह तरह की बातें करते हैं, झंडे उठा लेते हैं, जुलूस निकालते हैं, जनगीत गाते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं। तो हुजूर हमारे एक अफसर इनके पास गए, बड़े प्यार से और हाथ वात पीछे करके इनसे कहा कि सर देखिए अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो हम आपको देख लेंगे। How sweet! तो जानते हो हुजूर उन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने आंखें निकाल कर कहा कि लाजिम है कि हम भी देखें। अब भला बताइए ये हमको देखेंगे हम उनको देखेंगे? अपने आप को शहंशाह अफरा से आप समझते हैं कि हमें अपनी निगाह कायस से घूरेंगे और हम भस्म हो जाएंगे। निगाह नीचे कीजिए, नीचे कीजिए निगाह। दिल्ली और मुंबई के एलिट वर्ग और ये उदयपुर के कुछ राजपूतों के लिए एक का सबूत और दे दीजिए बस। इनकी बेगम ने ISI के एक फर्नांडिस को खत लिखा है। अरे वाह, ISI में ईसाई भाई, मानना पड़ेगा हौसला है मिशनरियों का, वहां भी घुस गए। अरे हुजूर ये वो वाला ISI नहीं है, सामाजिक दार वाला। अरे कोई भी हो से क्या फर्क पड़ता है, उलमा कह गए हैं कि शराब से मिलती जुलती चीज पीना भी हराम है। तो मैं कहता हूँ कि मिलते जुलते नाम वाले इदारे को खत लिखने की जरूरत ही क्या है। वैसे इनके मुजरिम होने में कोई कसर बाकी नहीं रह गई है, पर चूंकि हम एक इंसाफ परस्त निजाम हैं, क्या बात, मुजरिम को अपनी दफा में एक बार बोलने का मौका देना चाहिए। हमें कुछ कहना है हुजूर? मुझे बस एक बयान दोहराना है जो आज से 90 बरस पहले इसी तरह की अदालत में इसी तरह के इल्जाम के जवाब में दिया गया था।
देखिए हमें किसी दूसरे के बयान में दिलचस्पी नहीं है, आप अपना बयान दीजिए, लेकिन हाँ बता दीजिए कि वो बयान था किसका। वो हम सबके बाप थे हुजूर। बाप हुजूर, वो घुटे हुए सर वाले, इनको 2 अक्टूबर को बर्थडे होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई बापू कहिए, सब तो बाप कहकर अदालत को गुमराना कीजिए। चलिए बयान दीजिए। जिस कानून के तहत मुझ पर इल्जाम लगाए गए हैं, वो ताज़ीराती हिंद की सियासी पाबंदियों और जबर के कानूनों को सरताज है और शहरियों की आजादी को कुचलने के लिए वजूद में आया है। खैर खाही और खैर अंदेशी किसी सरकार के लिए कानून का सहारा लेकर जबरदस्ती नहीं पैदा की जा सकती। अगर कोई इंसान अपने समाज, अपनी सरकार से बज़न है, तो उसे अपनी बज़नी के इजहार का हक है। पर ये कानून बज़नी के इजहार को जुर्म करार देता है। वाह क्या बात है। मैंने इस कानून का मुताला किया है और मुझे फक्र है इस बात पे कि जिस कानून के तहत चंद अजीम तरीन हिंदुस्तानियों को सजा दी गई, उस फहरिस्त में मेरा भी नाम लिखा जा रहा है। मैं समझता हूं मौजूदा सरकार हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को नुकसान पहुंचा रही है और ऐसी सरकार से बदजन होना कार्य खैर है, बल्कि ऐसी सरकार के लिए खैर खाही का जज्बा रखना अपने आप में जुर्म और गुनाह होगा। डूब मरो इस इंसाफ पर, आंसू बहाओ इस कानून पर, जो कमजोर के लिए तलवार की धार और गजब के लिए बागो बहार है, जो अपने लिए नगमे साज और हमारे लिए मौत की आवाज है। तुम्हारे लिए पैदा हुए दुनिया के नजारे, चमकते हैं तुम्हारी रोशनी से चांद और तारे। तुम्हारा गम है गम, औरों का गम ख्वाबो कहानी है, तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी। वाह वाह। हुजूर इनसे कहिए कि मोदी के फिल्मी डायलॉग, मेरा मतलब सोहराब मोदी के फिल्मी डायलॉग, हुजूर इनसे कहिए कि सोहराब मोदी के फिल्मी डायलॉग बोलकर अदालत का वक्त जाया ना करें। ये अदालत जो है जज्बातियत के रौ में आकर फैसला नहीं करती, कानून अंधा होता है और हमारे मुल्क में कुछ ज्यादा ही अंधा होता है। यकीनन कानून अंधा है और जज्बात की रौ में आके कभी फैसला नहीं करता। हमारे यहाँ जात से अफजल निजाम है, निजाम से अफजल अम्ल है, अम्ल से अफजल नियत है और इसकी नियत में खोट है। खोट है, खोट है। अदालत का फैसला उम्र कैद। इसका साहब यहाँ ये जिन बाबू की बात कर रहे थे, इनका केस काफी मशकूक लगता है, तुरंत फाइल खोलिए। अमर ने बर्क को इशारा किया, दोनों अदालत के बाहर आए। अमर ने बर्क से कहा, या ये तो बहुत लंबा चौड़ा तिलिस्म है यार, हैं? मैं तो तिलिस्म जमशेद ही गया, तिलिस्म आईना गया, तिलिस्म फिरंगी गया, तिलिस्म घुशरुबा गया, लेकिन ये तिलिस्म तो बहुत लंबा चौड़ा है। भाई मैं उस हकीम को तो बचा लूंगा, लेकिन उसी की तरह हजारों अंदर हैं जिनकी तो जमानत ही नहीं होती है। तो हुजूर भाई ऐसा है कि मैं तो उसको बचा लूंगा, उनको छुड़ाने के लिए ना कुछ लंबी अय्यारी करनी पड़ेगी। ठीक है। अभी अमर और बर्क दोनों अदालत के बाहर जा ही रहे थे कि बर्क ने अमर से कहा, उस्ताद कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं, वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं, एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है जिसमें तहखानों से तहखाने लगे हैं, मछलियों में खलबली है अब सफीने उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं, मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब फिर उसी आयत को दोहराने लगे हैं, अब नई तहजीब के पेशे नजर हम आदमी को भून कर खाने लगे, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया।